तो इस साल का मोस्ट एंटीसिपेटेड इवेंट जो है खत्म होने वाला है, यानी हम बात कर रहे हैं गेम्सकॉम 2023 के इवेंट की। इस इवेंट में मूवीज से लेके गेम्स तक सब कुछ अनाउंस कर दिए हैं। और आप सबको भी पता है ये इवेंट स्टार्ट हुआ था 22 अगस्त से और चलने वाला है 27 अगस्त तक, यानी इस इवेंट का आखिरी डेट है आज। लेकिन अभी आप सब सोच रहे होंगे कि आज इस वीडियो में आप सबके लिए क्या है। ऑब्वियसली टाइटल या फिर थंबनेल देख के पता चल चुका होगा कि गेम्सकॉम 2023 के इस बड़े से इवेंट में जितने भी सारे मोबाइल गेम का अनाउंसमेंट, ट्रेलर और जो छोटे बड़े अपडेट शेयर किए हैं उसको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। मजा बहुत ज्यादा आएगा। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एंजॉय दिस वीडियो। लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और भी इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के, जो टोटली फ्री है आप सबके लिए, तो करना। तो शुरू से हम शुरू करते हैं, यानी हम चलते हैं थोड़े से फ्लैशबैक में 22 अगस्त में। पहले दिन ही इस इवेंट में बहुत ही अच्छे अच्छे गेम को अनाउंस किए हैं जिसमें से पीसी और कंसोल के गेम्स ज्यादा थे, लेकिन इसमें से दो मोबाइल गेम्स के भी अपडेट आ चुके हैं जिसमें से सबसे पहला आता है मार्वल स्नैप, जो बेसिकली कार्ड कैटेगरी का गेम है जो ऑलरेडी मोबाइल डिवाइस में शायद इस साल के शुरुआत में ही लॉन्च हो चुका है और हमने भी उसके ऊपर गेम प्ले वीडियो बनाए थे लेकिन आप सबने नहीं देखा। और ऑब्वियसली कार्ड गेम इंडियन यूजर को खेलना उतना ज्यादा पसंद नहीं आता है, उनको तो एक ही गेम पसंद आता है, वो सिर्फ और सिर्फ BGMI है। अबे साले, ऑब्वियसली ये हम मजाक में बोलते हैं, सीरियसली मत ले लेना। तो मार्बल स्नैप को अगर आप अपने पीसी में खेलने की सोच रहे थे, आपका सपना था, ये जो सपना है इस इवेंट के बाद पूरा होता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरे गेम की तरफ आए तो जिसका नाम होगा रेबल मून। जी हाँ, आपने सही सुना, रेबल मून गेम भी बहुत ही जल्दी हमें खेलने को मिल सकता है। सुपर एविल मेगा क्रॉप इस इवेंट में कंफर्म कर चुके हैं कि रेबल मून मूवी बेस्ड जो गेम है बहुत ही जल्दी हम सबके पास आने वाला है। गेम फॉलो करेगा रेबल मूवी के स्टोरी को, प्लेयर टीम अप कर पाएंगे रेबल कैरेक्टर के साथ और उसी को ही यूज करके वर्ल्ड मिशन पे भी जा पाएंगे। बताया जा रहा है कि इस गेम में 4 प्लेयर का को ऑप सेटिंग होगा, यानी अपने दोस्तों के साथ मिशन वगैरह कंप्लीट करना चाहते हो मिलके खेलते हुए तो इस गेम में आप कर पाओगे। लेकिन इस गेम के बारे में ज्यादा डिटेल तो हमारे पास नहीं है, ऑब्वियसली किसी के पास भी नहीं है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या ये गेम मोबाइल डिवाइसों के लिए आएगा, पीसी के लिए आएगा या फिर कॉन्सोलों के लिए आएगा? और लास्ट ऑप्शन बचता है, क्या क्रॉस प्लेटफॉर्म के साथ आएगा? लेकिन जो भी हो, रेबल मून मुझे लगता है काफी एंटीसिपेट गेम होने वाला है फ्यूचर में। मोबाइल डिवाइस में आ जाए तो यार मजा ही आ जाएगा। तो अब चलते हैं 23 अगस्त के तरफ, जिसमें ज्यादातर मोबाइल गेम का अनाउंसमेंट इसी दिन किया गया है, जिसमें से आता है टेरिस लैंड, एसेसिन्स क्रीड जेड, कमांड एंड कॉन्करर लीजियन, डेल्टा फोर्स, हॉक्स ऑफ होयोवर्स गेम के कुछ ट्रेलर और एक गेम का अनाउंसमेंट। तो हम धीरे धीरे सभी गेम्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एसेसिन्स क्रीड जेड से ही, जिसका फाइनली ऑफिशियल नेम रिवील कर दिया गया है, जो होगा एसेसिन्स क्रीड जेड मोबाइल नहीं। इसके साथ साथ उन्होंने एक नया ट्रेलर को भी रिलीज किए हैं जो आप स्क्रीन में भी देख पा रहे हो, साथ में एक नया लोगो और इसका सेकेंड बीटा भी अनाउंस हो चुका है, जिसका अब तक तो डेट रिवील नहीं किए कि कब इस गेम को हम खेल पाएंगे। लेकिन इस नए बीटा में आप सबको काफी सारे नए फीचर्स खेलने को मिलेंगे, ये कन्फर्म हो चुका है। अब टेरिस लैंड की तरफ आए तो जो एक MMORPG कैटेगरी का मोबाइल गेम होने वाला है लेवल इन्फिनाइट की तरफ से, इसका भी बीटा कन्फर्म हो चुका है, जो आपको खेलने को मिलेगा इसी साल के नवंबर मंथ के आसपास। और ये जो बीटा है यूरोप, एशिया और अमेरिका में रिलीज किया जाने वाला है, कौन कौन से कंट्री में ये तो अब तक नहीं पता चला, लेकिन इसमें एशिया जरूर है तो शायद हो सकता है इंडिया भी उसके अंदर इंक्लूड हो, लेकिन उसका चांसेस बहुत ही कम लग रहा है। लेकिन टेरिस लैंड गेम के ग्लोबल रिलीज डेट के बारे में अगर आप सब पूछोगे तो नेक्स्ट ईयर, जी हाँ नेक्स्ट ईयर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा इसके ग्लोबल रिलीज के लिए। अब नेक्स्ट गेम की तरफ चलते हैं, जो आ रहा है कमांड एंड कॉन्करर लीजन की तरफ। नया ट्रेलर इस गेम का रिलीज कर दिया गया है और साथ में नया बीटा भी इसका स्टार्ट हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, न्यूजीलैंड और फिलीपींस
और भी बहुत सारे रीजन जो है इस गेम के लिए ऐड किया जाने वाला है फ्यूचर में। लेकिन पर्सनली मैं इस गेम को डाउनलोड करने सोच ही रहा था और ऑब्वियसली इंस्टॉल तक पहुंच भी गया था, लेकिन फिर पता चला ये गेम उतना अच्छा नहीं है जितना हम सब सोच रहे हैं और ट्रेलर को देखने के बाद भी लग रहा है, क्योंकि अभी इस गेम को रेटिंग मिला हुआ है 2.2 का जो कनाडा यूजरों ने दिया है। मतलब अभी ये गेम उतना खास पसंद नहीं आ रहा है सभी को, क्या पता गेम में कुछ कमियां हैं या फिर गेम अच्छे से उनके डिवाइस में नहीं चल रहा है। पर्सनली मैं खुद तो नहीं खेला हूं इस गेम को तो आपको अच्छे से बता नहीं सकते, लेकिन अगर डेवलपर इस गेम को फिक्स करते हैं ग्लोबल रिलीज से पहले तो शायद ये गेम भी क्लास ऑफ क्लींस जैसा हो सकता है, लेकिन उसका चांसेस तो बहुत ही ज्यादा कम है। अब नेक्स्ट गेम की तरफ चलते हैं जो मेरा एक फेवरेट गेम बन सकता है फ्यूचर में, जिसका नाम होगा डेल्टा फोर्स ऑक्स ऑफ, जो अभी के लिए देखा जाए तो शूटिंग कैटेगरी में मोस्ट हाइप गेम है। तो इसका फाइनली एक ट्रेलर को रिलीज किए हैं और साथ में बहुत सारे डिटेल्स भी। ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल वीडियो हमने कवर कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में, अगर आपको अच्छे से इस गेम के बारे में जानना है जरूर से उस वीडियो को रिकमेंड करूंगा, देख लेना, बहुत कुछ इस गेम के बारे में जान पाओगे और उस वीडियो को देखने के बाद आप सब भी इस गेम को खेलने के लिए हाइप्ड अप हो जाओगे। लेकिन उस वीडियो के पब्लिश करने के बाद नए क्या चीजें आए हैं इस गेम से रिलेटेड वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, यानी जब भी आप शूटिंग करने जाओगे ऊपर से कहीं से भी आके आपके ऊपर मलबा गिर सकता है। ये फीचर काफी इंटरेस्टिंग लगा, साथ में ऑपरेटर के एबिलिटीज को भी रिवील कर चुके हैं जो देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, और साथ में बताए हैं ये एक टैक्टिकल शूटिंग गेम होगा जिसमें आपको कैंपेन मोड के साथ साथ मल्टीप्लेयर का भी फीचर्स मिलेगा। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा इस गेम का कोई बीटा आता है या फिर डायरेक्टली ग्लोबल लॉन्च करते हैं, लेकिन मुझे लगता है बीटा पहले आएगा और इंडिया में तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब चलते हैं हम होयोवर्स के तरफ। तो इन्होंने इस इवेंट में 3 गेम्स के अपडेट प्रोवाइड किए हैं, जिसमें से सबसे पहला है जेनसेट इंपैक्ट, जिसका 4.0 अपडेट को पुश कर चुके हैं और उसमें काफी सारे इवेंट्स भी रन हो रहा है। मैं खुद पर्सनली इस गेम को खेलता हूँ यार, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। दूसरा गेम उनके तरफ से होंकाई स्टार रियल का है, जो अपकमिंग 1.3 का अपडेट पुश होने वाला है, उसको लेके काफी सारे नए डिटेल भी शेयर किए हैं, जैसे कि नए कैरेक्टर, नए इवेंट। और पर्सनली ये गेम भी मैं काफ़ी ज़्यादा खेलता हूँ डेली बेसिस पे, अगर आप खेलते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन अगर आप पूछोगे कि अपडेट कब आने वाला है गेम में, तो 2-3 दिन में आपको मिल जाएगा, लेकिन अपडेट का मेन माल मसाला आएगा 30 अगस्त से, तो उससे पहले ही आपको अपडेट मिल जाएगा, यानी प्री डाउनलोड करने का मौका मिलेगा, तो जल्दी से जल्दी करके रखना। और लास्टली उनका एक गेम का अनाउंसमेंट हुआ है एक नए ट्रेलर के साथ, जिसका नाम है जेनलेस जोन जीरो, और इस अपडेट के शुरू से आप जो गेम प्ले देख पा रहे हो जेनलेस जोन जीरो का ही है, जो आज ही के दिन पब्लिश किए हैं। इसे देखने के बाद फिर भी मैं कंफर्म नहीं बोल सकता कि क्या ये ट्रूली ओपन वर्ल्ड गेम होगा या फिर होंकाई स्टार रियल जैसे, लेकिन गेम देखने में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लग रहा है। जल्दी से जल्दी ये गेम सिर्फ लॉन्च हो जाए यार, उसके बाद तो इस गेम को हम बहुत ही ज्यादा खेलने वाले हैं। लेकिन अगर होयोवर्स के सभी गेम को डाउनलोड करने बैठ जाए तो हमारा सारा डेटा चला जाएगा। बात तो सही है। तो अब बढ़ते हैं 24 अगस्त के तरफ। इसमें बहुत सारे सरप्राइजेस हमें देखने को मिले, बहुत सारे नहीं, उसमें से एक सरप्राइज जो है बहुत ही ज्यादा पसंद आया, और मुझे लगता है ये गेम जेनसेट इंपैक्ट का कॉम्पिटिटर बन सकता है अगर डेवलपर जो दिखाए हैं ट्रेलर पे वो हमें एक्चुअल गेम में भी मिल जाए। तो हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट मुगन गेम की, जिसका अनाउंसमेंट नेटइज ने एक ब्रांड न्यू ट्रेलर के साथ कर चुके हैं, और देखने में तो यार जैसे कि बताएं बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा है। एनीमे स्टाइल ओपन वर्ल्ड गेम होगा, जिसमें आप कैरेक्टर को यूज करके सिटी में स्विंग कर सकते हो, जितनी भी सारे बिल्डिंग्स आप देख पा रहे हो उसमें आप दौड़ भी सकते हो, जैसे कि हम प्लेस्टेशन के स्पाइडरमैन गेम में देखते हुए आए हैं। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो कवर कर चुके हैं, अगर आपको अच्छे से समझना है इस गेम के बारे में तो आई बटन में वीडियो दे देंगे, जरूर से जाके देख लेना। अब हम चलते हैं आखिरी दिन की तरफ, यानी 25 अगस्त के तरफ। इस दिन एक बेस्ट मोबाइल गेम का अवार्ड जो है अनाउंस किया गया है, और आप लोग मुझे अभी से ही कमेंट करके बताओ कौन से गेम आपके लिए बेस्ट था इस साल मोबाइल डिवाइस के लिए, BGMI को छोड़ के। 3 सेकंड दे रहे हैं, जल्दी से बताओ। बता दिए ना कमेंट बॉक्स में, तो देखते हैं कितने सारे गेम्स के नाम आए हैं कमेंट बॉक्स में। लेकिन आपको बता दूं बेस्ट मोबाइल गेम्स का वो गया है स्काई चिल्ड्रन ऑफ लाइट। जी हाँ, जो खेलते हैं इस गेम को उनको पता है ये गेम कितना स्पेशल है उनके लिए,
लेकिन इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ था जेनसेट इंपैक्ट, मार्बल स्नैप, मॉन्स्टर हंटर नाउ, मॉन्स्टर हंटर शायद रिलीज भी नहीं हुआ है उसका भी नाम इसमें दे दिए थे, पेपर ट्रायल। जी हाँ, बड़े बड़े गेम्स के नाम थे लेकिन सभी को पछाड़ के ये अवार्ड गया है स्काई चिल्ड्रन ऑफ लाइट गेम को। तो अगर आप इस गेम को अभी तक भी ट्राई नहीं किया, प्ले स्टोर पे फ्री में अवेलेबल है, जाके जरूर से ट्राई करना, बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। जब इसका पहला लॉन्च हुआ था उसके ऊपर गेम प्ले वीडियो भी लाए थे, आप सबने उस टाइम पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया था, आप सबने तो नहीं लेकिन पुराने जो हमारे व्यूअर्स है। तो इस इवेंट में इतनी सारी बड़े बड़े मोबाइल गेम को अनाउंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझा चुके होंगे। फिर भी आपका कुछ डाउट है कोई भी गेम को लेके कमेंट करके जरूर बताना। क्या लगा वीडियो खत्म हो गया? नहीं यार, जो हमारे दोस्त इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा अपडेट है। ऑब्वियसली बहुत सारे दोस्त जो है शुरू से ही वीडियो को छोड़ के जाते हैं तो उनके लिए एक बैड न्यूज है, लेकिन आपको बता दूं एक्स्ट्रा अपडेट क्या है। आज के दिन वॉरफ्रेम मोबाइल फाइनली अनाउंस हो चुका है एक नए ट्रेलर के साथ। ऑब्वियसली जो आप स्क्रीन में ट्रेलर देख रहे हो एक्चुअली ये वॉरफ्रेम मोबाइल का नहीं है, ये कंसोल और पीसी का ही है, लेकिन अभी से ही आप प्री ऑर्डर यानी प्री रजिस्टर कर पाओगे सिर्फ और सिर्फ iOS डिवाइसों के लिए। जी हाँ, ऐप स्टोर में ये गेम आ चुका है और ये गेम टोटली फ्री टू प्ले होगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो iOS का मेंशन क्यों किए हैं, क्योंकि यार एंड्रॉयड के लिए कोई भी अपडेट नहीं है। एंड्रॉयड में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, इसके ऊपर अपडेट आना बाकी है। लेकिन अगर आपके पास iOS डिवाइस है तो आपके लिए खुशखबरी है। गेम का एक्सपेक्टेड ग्लोबल रिलीज डेट को सेट किया गया है 20th February 2024, यानी नेक्स्ट ईयर ये गेम आपको रिलीज होता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन इस साल बताया जा रहा है कि इसका एक नया बीटा भी रिलीज होगा, लेकिन एंड्रॉयड डिवाइस यूजर के लिए। अब होने में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फाइनली इतने दिनों के बाद वॉरफ्रेम मोबाइल जो है वापस आ चुका है। अब बहुत सारे अपडेट्स जो है इससे रिलेटेड हमें मिलने वाला है, तो उन सब अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज का Gamescom 2023 इवेंट का स्पेशल वीडियो पसंद आया तो जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो और मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ जितने भी सारे गेम्स आपको बताए हैं आप किसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो। और तब तक लगे हाथों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, फिर से बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस देख पाओगे, वो भी डेली बेसिस पे। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक फ्रेश एंड फाइन एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।